बद्दी में जाम और अवैध पार्किंग से लोग त्रस्त। जाम की समस्या और वाहनों की अवैध पार्किंग से त्रस्त बद्दी शहर की जनता को राहत नहीं मिल पाई है। बैठकों में कई बार इन मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन धरातल पर समस्याओं के सुधार के लिए अभी तक पुख्ता कदम नहीं उठाए गए। बद्दी शहर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 105 पर ट्रकों की पार्किंग पर प्रतिबंध को लेकर जारी पुलिस महकमे के सर्कुलर पर अमल नहीं हो रहा। राजमार्ग पर पहले की तरह ही ट्रकों और अन्य वाहनों को अवैध रूप से पार्क किया जा रहा है। अवैध रूप से खड़े वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बरती जा रही ढील से भी आला अधिकारियों का ये फरमान केवल बैठक के फैसले तक सीमित रह गया है। शहर से गुजरने वाले इस राजमार्ग पर अवैध पार्किंग होने से लगातार जाम की समस्या आ रही है। विशेष रूप से सुबह 9 से 11 बजे और शाम 4 से 6 बजे के बीच NH के जाम होने से साई रोड, बरोटीवाला रोड, शीतलपुर रोड और अस्पताल रोड पर भी जाम लग रहा है। इस कारण शहर में आपात सेवाओं के प्रभावित होने के साथ आम आदमी भी जाम से परेशान हो रहा है। पुलिस की ओर से व्यवस्था को बेहतर करने के वादे ही किए जा रहे हैं, धरातल पर इन पर अमल नहीं हो रहा। बद्दी में रोजाना 10,000 से अधिक वाहनों का आवागमन होता है। इसमें 70% मालवाहक वाहन रहते हैं। इन्हें व्यवस्थित करने के लिए बद्दी थाना से ट्रैफिक विंग में एक समय में 1 दर्जन जवान भी सड़कों पर तैनात नहीं होते। ऐसे में वाहनों की इस बड़ी संख्या को जवानों की कमी के कारण भी सुव्यवस्थित कर पाना मुश्किल है। ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पास जगह की उपलब्धता के बावजूद ट्रकों को NH और साथ लगते संपर्क मार्गों पर खड़ा किया जा रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है। पुलिस की ओर से कई बार वाहनों के चालान करने के बाद भी सुधार नहीं हो रहा। NH और लोक निर्माण तथा BBNDA जैसी एजेंसियों को स्लीप रोड, साइट डेवलपमेंट और येलो लाइनिंग सहित अन्य सुझावों पर काम करने की जरूरत है, जिससे जाम की समस्या में सुधार किया जा सकता है। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।